तो लोग बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं भाजपा को, बहुत लोग अब शब्द भी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन अब चुनाव का माहौल है। चुनाव में जो भी इन्होंने बीजेपी पार्टी ने जो भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें इन्होंने अपने एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो हम एक मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी हमने लिखा है बापू धाम के लिए, हम आने वाले समय में 5 साल में कांग्रेस पार्टी का काउंसिलर बने, कांग्रेस पार्टी का मेयर बने, हम यह पूरा करके बापू धाम की जनता को सारे के सारे वादे पूरा करके बापू धाम की जनता को दे। सर जो राशन बटा वो इतना निहायत ही गंदा राशन बटा, और कीड़े वाले आटा, गंदे चावल, गंदा सारा सामान, क्वारंटीन सेंटर में इतना बुरा हाल लोगों का किया गया, लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता था बापू धाम का जैसे वो अछूत। आप अपने वार्ड वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? आप बहुत मुख्य 3 बातें जो आप जीत के आएंगे और उनको पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान प्रकाश टीवी से। नगर निगम के चुनावों का चुनावी शोरगुल शुरू हो चुका है और जोर शोर से कंपेनिंग प्रत्याशियों की चल रही है। 203 प्रत्याशी इस वक्त चुनाव में लड़ रहे हैं। आइए चलते हैं रवि कुमार ठाकुर जी के पास जो वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरे हैं। पहले तो आपको बहुत मुबारक। नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ बापू धाम कॉलोनी में। तो हमारे चुनावी मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कोविड कोरोना काल में बापू धाम का बहुत बुरा हाल हुआ, भाजपा सरकार ने यहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कोई भी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना इनके मेयर यहाँ कुछ पूछने के लिए आए कि आप कैसे इस किस हाल में यहाँ रह रहे हैं। तो लोग बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं भाजपा को, बहुत लोग अपशब्द भी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन अब चुनाव का माहौल है। चुनाव में जो भी इन्होंने बीजेपी पार्टी ने जो भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें इन्होंने अपने एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो हम एक मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी हमने लिखा है बापू धाम के लिए, हम आने वाले समय में 5 साल में कांग्रेस पार्टी का काउंसिलर बने, कांग्रेस पार्टी का मेयर बने, हम यह पूरा करके बापू धाम की जनता को सारे के सारे वादे पूरा करके बापू धाम की जनता को देंगे। रवि जी एक बात बताइए, कोरोना काल में यहाँ पर मौजूदा दिलीप शर्मा जी पास हो रहे हैं, उन्होंने कोई कार्य करवाई नहीं? वो तो कह रहे हैं कि हमने खूब राशन बंटवाया, खूब लोगों की सहायता की है। सर जो राशन बटा वो इतना निहायत ही गंदा राशन बटा, और कीड़े वाले आटा, गंदे चावल, गंदा सारा सामान, क्वारंटीन सेंटर में इतना बुरा हाल लोगों का किया गया, लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता था बापू धाम का जैसे वो अछूत। इतना गंदा व्यवहार बापू धाम की जनता के साथ किया गया, लेकिन चुनाव का समय है, सब जनता को पता है, जवाब देने के लिए जनता तैयार है। रवि जी आपके समक्ष विपक्ष पार्टियों में बीजेपी खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी उभर के आई है, आप उनको कैसे चुनौती देते हैं? देखो कांग्रेस का एक कैटर है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया, कांग्रेस पार्टी बापू धाम की जनता की सेवा करती रही। माननीय पवन बंसल जी ने जितने चंडीगढ़ में काम अगर कांग्रेस सरकार में हुए हैं तो पवन बंसल जी की देन है। ये आम आदमी आ जाए कल गए, कांग्रेस पार्टी में थे कल तक तो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते रहे 5 दिन पहले, आज आम आदमी का प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों को सब कुछ पता है कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ना कि बापू धाम की जनता के स्वार्थ के लिए। आप अपने वार्ड वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? आप बहुत मुख्य 3 वादे जो आप जीत के आएंगे और उनको पूरा करेंगे। सर वादे तो हमने जो 25 के 25 अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं सारे के सारे पूरे। हाँ, मुख्य बता दे जो आप आते हैं। हमारे 3 मुख्य वादे तो ये है कि एक तो डिस्पेंसरी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों की जब हम जा रहे हैं डिमांड्स बहुत है, डिस्पेंसरी मंडी में है तो लोगों ने सभी ने ये कहा हमें डिस्पेंसरी बापू धाम में बापू धाम कॉलोनी में लेकर आएंगे। सेकंड जो लोगों को रात को कोई सॉरी एक मंडी से जुड़ा एक सवाल मेरे याद आ गया, अभी पीछे से वहां पर पार्किंग का बहुत बड़ा बदहाली चल रही है, लोगों को कह रहे आने जाने में भी टैक्स उनको देना है, पर्ची कट रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो पार्किंग का जो मुद्दा है पूरे चंडीगढ़ का मुद्दा है और जो पार्किंग का मुद्दा लेकर आई है ये भाजपा सरकार ने पार्किंग को दी, क्योंकि कार्यकाल भाजपा का है, भाजपा ने ही हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे 5 रुपए पर्ची के लगते थे, इन्होंने 20-20 रुपए कर दिए, टेंडर जो 2 लाख रुपए का था इन्होंने 50 लाख का कर दिया, तो ये सारी की सारी भाजपा सरकार बड़ी वाले हैं जो बेचारे जिनका गुजारा नहीं होता और आने जाने के उनको टिकट पर्ची कटवा। देखो जो टेंडर गवर्नमेंट भाजपा से ज्यादा यहाँ से लोग हैं गवर्नमेंट भाजपा की है, ठीक है, मेयर भाजपा का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा की है, गवर्नर साहब भाजपा के हैं, तो इसके दोषी भी जो टेंडर दिया है या पार्किंग अलॉट हुई है या पार्किंग पूरे चंडीगढ़ में दी जा रही तो इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। और आने वाले समय में हमारी पार्टी का मेयर बनेगा तो पुराने रेट जो लगते थे वो रेट दोबारा लगेंगे। और महिला की सुरक्षा के लिए और जो बापू धाम में नशे बढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे?
जो बापू धाम में नशे का जो व्यापार है उस पर अंकुश लगाया जाएगा और लोगों की समस्या सुनी जाएंगी। और बापू धाम का अब समय है बदलाव का, और बापू धाम में बदलाव होने जा रहा है। बापू धाम की जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीते और बापू धाम की डेवलपमेंट हो सके। रवि ठाकुर जी कांग्रेस के, जो कहते हैं मेरा काम है मेरी पहचान है, ऐसी ही अहम खबरों के साथ बने रहिए दीपक चौहान के साथ। और हाँ, जाते जाते एक बात और, 24 दिसंबर को वोट जरूर डालिए क्योंकि वोट आपका हक है। अर्थ प्रकाश से यही अपील है आपसे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।